प्रिय साधक, आप लोगों को काली पूजा करना है, काली माता की पूजा करना है, तो आप काली माता की पूजा अपने घर पे कर सकते हैं। यदि आपका काली माता कुल देवता है तो घर पे करें, यदि काली माता आपके कुल देवता नहीं है तो घर पे नहीं करें, आंगन में करें, द्वारा पर करें, यदि आंगन द्वारा नहीं है तो छत पे करें, खुलेआम आसमान में करें, ताकि आपका जो है काली माता जल्दी दर्शन दे। और घर में इसलिए ना करें ताकि आपका जो है कुल देवता जो भी होंगे वह काली माता नहीं होंगे, तो घर में नहीं किया जाता है। और यदि आप किसी और जगह पर करना चाहते हैं तो मंदिर में करें, काली माता की मंदिर में जा करके बैठे, आसन लगाए, फिर करें। यदि काली माता की मंदिर आपके आसपास में नहीं है तो फिर आप शिव मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी के मंदिर में भी चले जाएं, वहां भी आप कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप शिव का धाम है, भैरव बाबा का धाम है कहीं पर, तो वहां पर आप करें, तो वहां पर आपको काली माता सिद्ध हो जाएंगे। तांत्रिक विधि से करना है तो उसका एक अलग प्रक्रिया है, वह मैं नहीं बता रहा। आम जन भी कर सके, आम लोग भी इस शक्ति को सिद्ध कर सके और अपने जीवन में लाभ ले सके इन साधना को। इसलिए यह विधि है कि लौंग, सुपारी, पान कसैली, मीठा प्रसाद में कुछ भी ले सकते हैं, पंचमेवा लीजिए और बताशा लीजिए, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जो मर्जी आए, मीठा प्रसाद में कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हुमाद में आप धूप, तिल, जौ, घी, शॉर्टकट में आप प्रयोग कर सकते हैं। काली माता को अड़हुल फूल ही प्रिय है तो आप काली माता के लिए अड़हुल फूल का ही प्रयोग करें। इस प्रकार से आप काली माता का पूजन करें। काली माता की पूजा साधना आप काली माता की मंदिर में करें या शिव जी के धाम पर करें, या फिर आप ऐसी जगह पर करें जहां पर एकांत है। काली माता की साधना करके किसी को जन कल्याण करना है और काली माता की कृपा आपके ऊपर अच्छा तरह से बना रहे तो आप एकांत में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप काली माता की पूजा करना है तो आपके घर में किस तरह से काली माता का पूजा होता है, यदि आपका कुल देवता काली माता है तो जिस तरह से होते होंगे उसी तरह से करिएगा। यदि आपका काली माता कुल देवता नहीं है तो इस प्रकार से आप काली माता की पूजा करके काली माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और काली माता के साथ साथ भैरव बाबा का भी आपको दर्शन होंगे। और काली माता के साथ जो योगनिया चलती है, जो डाकनी चलती है, वो भी आपको दर्शन हो सकते हैं और उन शक्तियों से आप किसी को कल्याण कर सकते हो, किसी को रोग बलाए दुष्ट शक्ति को आप भगा सकते हो, किसी को झारा लगा सकते हो। काली माता की मंत्र होगा तो मंत्र से आप झारा लगा सकते हो और अनेकों प्रकार की जो असाध्य रोग होता है वो भी आप ठीक कर पाओगे। काली माता की सिद्धि इस प्रकार से यदि आप कर लिए तो काली माता आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप लोगों का जन कल्याण कर सकेंगे। आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।